में आग लग गई, आप हम 18 घंटे पड़े हैं भाई, आग है आज तो, क्योंकि हमने वीडियो ऐसी देखी है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मैंने कहा था आप लोगों से एवरी संडे मोटिवेशन वीडियो आपके लिए आया करेगी, तो आज है संडे और आज है वीडियो हमारी। कि मैम सबका क्वेश्चन ये ही रहता है सेम, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हमें याद नहीं होता, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, तो मन कैसे लगाएं, दिमाग कैसे संतुलन रखें। तो गाइस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपना माइंड संतुलन में करके अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, खुद को मोटिवेशन कैसे रखना है, एक ही वीडियो में सब कुछ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना मेरे को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बिल्कुल बताएं, और कमेंट में बता देना गाइस कि थोड़े बहुत मोटिवेशन आप लोग हुए या नहीं, थोड़ा सा चेंजेस आया, क्योंकि एकदम से किसी में चेंज नहीं आता। जब ये शुरुआत करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लाखों लोगों का मुद्दा है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। एक क्वेश्चन था मेरे पास में, किसी ने बोला था कमेंट में, नाम नहीं लूंगी, कि मैडम पढ़वे में मन नहीं लगतो हमाओ, और जो हम कछु पढ़, अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ू लो ना तो हमारे दिमाग से बाहर हो जाते, कछु ऐसा उपाय बताओ जैसे कि हमें याद हो। तो बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए, देख लेना गाइस। सबसे पहला फैक्ट है दिमाग का संतुलन एक जगह ना हो, समझना ये क्यों लिखा है मैंने, दिमाग का संतुलन। एक आपको मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझना आप, अभी ये पुष्पा मूवी आई है, ठीक है, पुष्पा मूवी को ही लेकर चल रही हूँ मोटिवेशन वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एंजॉय वीडियो में नहीं होगा, आप भी बोर हो जाओगे। मूवी आपको मैंने 3 घंटे की, वो मूवी है 3 घंटे के लिए बिठा दिया थिएटर में, समझना मैं बाहर हूँ आप अंदर हो, आप देख रहे हो, निकल के आए बाहर और एक तरफ रखूंगी थिएटर में मूवी देखने वाले बच्चों को, दूसरी तरफ रखूंगी कोचिंग में बैठने वाले बच्चों को। 2 घंटे का लेक्चर है, मान के चलिए इकोनॉमी ज्योग्राफी पॉलिटी किसी सब्जेक्ट का है, यानी का लेक्चर वो, और वहाँ पे क्या है, वहाँ चल रही है मूवी, आप बाहर निकलोगे, एक कोचिंग वाला बच्चा बाहर निकला, दूसरे थिएटर वाले बच्चे बाहर निकले, और मैंने वहाँ पे पूछा उनसे कि आप बताएंगे मेरे मूवी को, तो गाइज गारंटी है इस बात की 101%, चाहो तो आप कमेंट में बता देना कि ये बात सही है या गलत है। आपको उसके डायलॉग तो डायलॉग ये भी याद होगा कि ये विलेन कौन सा था इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान के चलिए पुष्पा का पार्ट 2 आया, समझना उसमें क्या होगा, तो आप आगे की भी स्टोरी गारंटी है बता दोगे मेरे को कि नहीं मैम इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, आपको सॉन्ग याद होंगे, लड़ाई किससे है उसमें, विलेन कौन है, हीरो कौन है, क्या डायलॉग बोला, यानी आप पूछ सकते बिना देखे, आप यहाँ बता दोगे खड़ा करके मेरे को, अगर मैं आपको यहाँ खड़ा करूँ आप सब कुछ बता दोगे मैम। दूसरे बच्चे की कंडीशन देखिए कोचिंग से, बहुत लोगों के ये डाउट रहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कोचिंग से बाहर, अगर पूछा जाए घर वाले ही पूछ लेते हैं कि बेटा बता ना आज तुमने क्या पढ़ा, तो सीधा सा उनका अच्छा सा बहुत अच्छा उत्तर रहेगा, माँ मरे पढ़ के 2 घंटा माँ बैठे, अब तुम आए गए हमाओ फूल पियो, कि मतलब हम अब जो पढ़े घर आएंगे, अगर किसी को याद भी हो गया तो ये कि क्वेश्चन चीज बोलेंगे कि देखो जितना समझाया हुआ का उसका पता नहीं है, थोड़ा रिविजन कर लेंगे तो बता देंगे। फिर भी कोई 2% इंटेलिजेंट बच्चा निकल गया तो शायद उसको हो सके, तो वो टीचर का 2 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का, तो उसका दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई होंगी, इसीलिए ये लिखा है दिमाग का संतुलन एक जगह ना होना। जब पढ़ने बैठते हैं तो माइंड रहता है किताब आगे रखी है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा हुआ, कल को हमें मूवी देखने जाना है, कल कहीं घूमने जाना है, फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया, खड़े हुए टेबल से पानी पीने गए क्योंकि हमारा गला है जो ना अभी नहीं सूखता, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है प्राण निकले मरे, अब तो पानी नहीं मिला तो ये मान के चलो मर जाएंगे साहब, तो गाइस वहाँ जाते हैं जल्दी से 4 चक्कर लगाएंगे पानी, तब तक हमारा टाइम निकला, समझना। फिर आएगी बात भूख वाली, पढ़े थोड़े से फिर जाने को भगते हैं सीधे कि अब भूख लग रही थोड़ा सा खा पी लें, लेकिन अगर आप कहीं घूमने गए हो मर जाओ जी, पानी है नहीं है, खाना है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आज हमें घूमने के लिए मिला है, तो ये मेरा कहने का इन बातों का यही मतलब है कि गाइस खुद पे बहाने हमें बनाना बंद करो, क्योंकि ये चांस है आपके पास में एग्जाम का, एक बार आता है ठीक है चला गया, कुंभ का मेला हो चाहे नहीं हो, गाइस हम कुंभ के मेले लाइक भी नहीं रहेंगे, समझना मेरी बात को, क्योंकि जब घर वाले ऐसे होते हैं पेरेंट्स कि हर
चीज का एक समय होता है, आपको दिया जा रहा है समय, उसका यूज करो। आप यूज करो या ना करो ये आपके हाथ में है। तो सबसे पहला पढ़ाई का है, टेबल पे पानी रखो ना, खा पी के बैठो, टेबल पे पानी रखो, टाइम सेलेक्ट करो, मेरे को इतने घंटे से पहले यहाँ से खड़े नहीं होना बिल्कुल भी। तो अगर आपने ऐसा किया, एक घंटे बैठे, एक घंटे में अगर आप आधा घंटा भी पढ़ लिए, तो गारंटी है इस बात की एक भी बाद आप खुद देख लेना, दो घंटे पढ़ने लगोगे। जो आधा घंटे पढ़ रहे थे, आधे घंटे के बजाय आप दो घंटे पढ़ोगे, क्योंकि खुद से मोटिवेशन होने लगोगे। दूसरा है 24 घंटे के दिन में क्या काम भाई, 24 घंटे का दिन होता है, सही बात है, घंटे होते हैं 24। जो टॉपर होते हैं, समझना मेरी बात को, यहाँ पे लोगों ने मेरे से बोला कि मैम जो टॉपर होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो गाइस 24 घंटे का दिन 48 का तो हो नहीं जाता, बताना मेरे को सीरियस बात। अगर कोई टॉपर है उसके लिए क्या 48 घंटे का दिन हो जाता है, मिलते तो उसे भी है 24 घंटे। लेकिन दिन का सही यूज, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि 15-16 घंटे पढ़े जा रहे हैं, दम दे रहे हैं, उस पर मरे जा रहे हैं, आंखें बाहर निकल रही हैं, सर दर्द हो रहा है, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। उनका एक टाइम टेबल होता है डेली का, ऐसा नहीं कि दो दिन पढ़ लिए 15-15, 16-16 घंटे और फिर उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी, तो ऐसा आपको नहीं करना। डेली का टाइम टेबल बनाओ, डेली पढ़ो। मैं बताऊंगी अगले संडे क्लास आएगी कि आपको डेली का टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे उसको आप फॉलो करोगे, 100% गारंटी मेरी है। तो गाइस यहाँ पे 24 घंटे का दिन है, इसका सही यूज करना है। अगर ठीक है 2-3 घंटे अपने आपने मनोरंजन के लिए निकाल दिए, सब कुछ हटा के फिर भी आपके पास में 6 घंटे का टाइम तो मिल रहा है ना भाई, उसको पढ़ने के लिए दो। आप पढ़ने के पर्पज से रह रहे हो या घर पे रह रहे हो, अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर आप पढ़ने के लिए दो ना उसका टाइम। उसके बाद में है डेली मोबाइल 1.5 GB डाटा का यूज, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। बहुत लोगों को बुरा लगेगा मैम ने ये क्यों लिखा है, लेकिन सही बात है गाइज, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। आप मुझे एक बात बताओ, 1.5 GB डाटा मिलना पढ़ाई के लिए कितना यूज कर रहे हो उसका, कमेंट में जरूर लिख देना कि मैम हम इसका यूज कर रहे हैं। मैं पूछ लूंगी, मैं तो लाइव आती हूँ, मेरे को किसी बात का डर नहीं। आप लाइव में बताना कि मैम हमने आज ये करो, वो ज्यादा हो तो फनी वीडियो देख ली, कुछ भी देखा, उसमें गेम खेल लिया, दिन निकल गए, आप नहीं अब कल पढ़ेंगे, फिर आगे आप परसों पढ़ेंगे। जब एग्जाम में गए ना, तो एग्जाम का एक्सर बढ़िया अच्छे नए कपड़े, पड़ोसी पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं, पेपर है आज पेपर देने जा रहे हैं, घर वाले पूछ रहे हैं पेपर है पेपर देने जा रहे हैं, पापा मम्मी भी हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो नहीं यार बच्चे का पेपर है ठीक है, वो बेचारे डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जब एग्जाम में गए तब तक बढ़िया है अच्छे हैं बहुत, लेकिन परफ्यूम लगा के जाओ, कुछ भी लगा के जाओ, जैसे ही मेज पे बैठे और एग्जामिनर ने पेपर दिया, कैंची से कट किया पेपर, बाहर आया खोला, बिल्कुल तोते उड़ते हैं सीधे, ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, टाइम निकालेंगे घड़ी में, और आएगा फिर वो टाइम याद कि कैसे हमने घर वालों को बेवकूफ बनाया, बहाने बना बना के कैसे खुद को बेवकूफ बनाया, टाइम था हमारे पास तब हम नहीं पढ़े। तो गाइस ये याद रखना इस बात को कि अगर मेहनत नहीं करोगे सक्सेस नहीं हो सकते, मोटिवेशन खुद से, मोटिवेशन खुद से ही मिलता है। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मतलब आप देखना कि मतलब बहुत सारी वीडियो डली है, इस वीडियो को देख के आग लग जाएगी और आप 4 घंटे की बजाय 18 घंटे पढ़ना मतलब पढ़ लोगे। देख लेना गाइस वो आग वाली वीडियो, क्या समझ बताना आग लगी कि आज तो हमें आग लग गई, आप 18 घंटे पढ़ेंगे भाई आग है आज तो, कि हमने वीडियो ऐसी देखी है, मोटिवेशन हो रहे हैं, अपने आप घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं 18 के 20 घंटे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, क्योंकि खुद से हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थिति हमें मोटिवेशन रखती है, ना कि कोई और, ना ही कोई वीडियो। तो मेरा बताने का यही मोटिव था कि थोड़ा भाई इसका यूज कर लिया करो मोबाइल में। अगर पहले तो हमें ये 1 महीने के लिए मिलता था, जब आइडिया का रिचार्ज कराते थे 29 दिन के लिए मिलता था, वो हमारा चलता था भी, सब लोग चलाते बढ़िया बचा बचा के, एक महीने का नेट है। अभी 1.5 GB एक दिन के लिए मिल रहा है, लेकिन 12 नहीं बच पाते, बहुत लोगों का 90% का डाटा 9 बजे से पहले आ जाता है, क्योंकि लगे रहते हैं पूरे दिन उसमें। तो गाइस मोबाइल कहीं नहीं जा रहा, डाटा कहीं नहीं जा रहा, बहुत अच्छी स्कीमें आएंगी, तो थोड़ा इसका यूज सही करें। पढ़ने का सही तरीका ये है गाइस कि सही टाइम टेबल, सही बुक, और हमेशा आपके मोबाइल, जब आप टेबल पढ़ रहे हो तो हमेशा सिलेबस टेबल पे होना चाहिए, क्योंकि इतना मोटिवेशन खुद से हम रहते हैं। जब आप अभी आपको बुरा लगेगा कि ऐसा मैं बोल लूं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको जब सिलेबस रखोगे पास में, तो सिलेबस से क्या होता है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तो
आप ज्यादा मतलब आउट नहीं जाओगे, और आउट नहीं जाओगे तो जो आपने पढ़ा है सिलेबस में पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। वरना देखना एग्जाम के बाहर जो निकले लोग हीरो बन के जाते हैं, फिर बाहर से आते हैं और जो साथ का उनका पेपर दिलवाने के लिए जाते हैं वो यही बोलते हैं पेपर कैसा गया, पेपर पढ़ा तो बहुत था पूरा बाहर आओ पेपर देखो, पेपर जब पढ़ा था जब बुक में से आया ये जब बुक में से नहीं है, ये बाबा बुक में से नहीं है। सबके साथ होता है, एक बार मेरे भी साथ हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमेशा मतलब सही पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लिखा है मैंने माँ बाप की उम्मीद है गाइज, तो मैं उन्होंने स्क्रीन मोबाइल दिलवाया होगा तो टच स्क्रीन दिलवाया होगा, खुद भले वो कीपैड चला रहे हो, और जिस दिन जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है तो जो हमारा मतलब ज्वाइनिंग लेटर होता है पापा जिम में रख के घूमते हैं बाहर ही, क्योंकि कोई उनसे पूछे और वो इसी हमेशा यही कहते हैं हंस के कि मेरे बच्चे का आज ज्वाइनिंग लेटर आ गया और वो इस पोस्ट पे गया है, कि दुनिया में अगर कोई शख्स है जो हमें खुद से ज़्यादा कुछ देखना चाहता है तो हमारे माँ बाप हैं। उसके अलावा ऐसा गाइज मैं नहीं कहती, कोई भी हो सकता है, लेकिन उदाहरण में तो यही है कि उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं होता हमारे लिए। कि खुद अगर आप देखना आपके एग्जाम करीब हो, आपने घर में बोल दिया हो पापा मेरे को ये वाली बुक चाहिए, इसमें से ये आंसर क्वेश्चन आने हैं, चाहे वो कुछ भी ना खुद ने पटे कपड़े पहने होंगे भूखे रहे होंगे, जो मेरे पापा तो किसान है, जो किसान है रात में खुद इतनी सर्दियों में खेतों पे सो रहे हैं जाके, लेकिन हमारे लिए उन्होंने सब व्यवस्था की है, क्योंकि यही सोचते हैं नहीं जो आज परिस्थिति मैं देख रहा हूँ जिस चीज को वो मेरे बच्चों को सामना ना करना पड़े। तो गाइस उनकी जो उम्मीदें हैं जो आपसे वो लगाए हैं जरूर देंगे, क्योंकि हमारे माँ जब जैसे मान के चलिए आप बाहर रह रहे हो, आप घर पे जाओगे और पड़ोसी के यहाँ किसी के यहाँ कुछ हुआ, फिर भी हमारे पापा भी हमसे बोलते हैं बेटा उसके यहाँ ऐसा हो गया, तो लगता नहीं है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमारे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है हमारे लिए हमारे माँ बाप। तो गाइस अच्छे से तैयारी करो, ये चीज़ों को बातों का रखोगे खुद से मोटिवेशन हो जाओगे। एक बार वीडियो ये ज़रूर देख लेना। लास्ट पॉइंट है खुद का मोटिवेशन। खुद का मोटिवेशन ये है अगर आपने डेली पढ़ा, समझना एक महीने बाद क्वेश्चन जो पढ़े हैं उनका टेस्ट दो खुद से। आपके टेस्ट में अगर 50 नंबर का टेस्ट लिया खुद से आपने, 50 क्वेश्चन रखे एक ही सब्जेक्ट के रख लिए, जैसे आपने एक महीने में दो सब्जेक्ट रखे समझना, तो आपने वहाँ पे एक सब्जेक्ट ही रखा और एक के ही क्वेश्चन रखे 50, तो हाँ अगर आपके पास में 40 या 35 क्वेश्चन भी बन गए तो गाइज खुद का आप पे 100% मोटिवेशन आएगा। क्योंकि समझोगे जब मैंने एक महीने पढ़ा है और मेरे 35 से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो जब मैं 6 महीने या 1 साल पढ़ाई करूँगा तो मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। ये है खुद का मोटिवेशन। इसलिए गाइज खुद से बहाना बंद करो, और ये बात मैं बिल्कुल मत बोला करो कि कुंभ का मेला थोड़ी है 12 साल बाद आएगा, क्योंकि हो सके हमारी परिस्थिति कुंभ का मेला देखने लायक भी ना रहे। तो बता देना गाइज कमेंट में कि कैसी लगी आपको वीडियो, एवरी संडे मोटिवेशन वीडियो आपके लिए आया करेगी, देखें जरूर कमेंट में बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।